आज हमारे सामने ये एक नया स्कूटर खड़ा है एथर की तरफ से, रिश्ता नाम का, और इसे एथर ने फाइनली आज लॉन्च कर दिया है। फैमिली स्कूटर इसको प्रोजेक्ट कर रहा है एथर, और देखने में अच्छा भी लग रहा है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ट्रेंड डिजाइन, और बात कर लेते हैं रिश्ता के बारे में। देखते हैं आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो अगर फ्रंट के साथ शुरुआत करी जाए तो उसका फ्रंट देखने में थोड़ा डिफरेंट है। जो एथर के अभी तक स्कूटर आ रहे हैं उनके मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है। जो अभी तक स्कूटर आ रहे हैं उनमें आपको सामने एक ट्रायंगुलर शेप दिखती है, लेकिन यहाँ पर एक पूरी ब्रॉड शेप बनाई गई है जो कि इसको ज़्यादा फैमिली वाली फीलिंग वाकई में देता है। वो उसमें से वो यंग फीलिंग हटाकर बट एक फैमिली फीलिंग लगाई गई है। अब यहाँ देखो बीच में एथर की बैजिंग है जो उसको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड भी बना रही है और लग भी रही है। डुअल टोन कलर ऑप्शन के अंदर स्कूटर्स हैं, और यहाँ पर आपको पाँच से छः सात कलर ऑप्शंस अलग अलग वेरिएंट में मिलते हैं। टोटल 3 वेरिएंट इसके आए हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और उसके नीचे आपको LED DRL, LED हेडलैम्प्स वगैरह भी दिए गए हैं, वो कि अच्छे लग रहे हैं। ऊपर अगर आप इसके यहाँ पर हेड की तरफ देखोगे तो यहाँ पर प्लानो ब्लैक फिनिश है, क्वाइट डिसेंट लुकिंग स्कूटर, अच्छा लग रहा है देखने में, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आगे डिस्क ब्रेक है, 12 इंच के व्हील्स लगाए गए हैं, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं जो कि देखने में वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप फ्रंट लुक देखोगे तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंटिंग है, कुछ भी ऐसा अजीब नहीं लग रहा, अटपटा नहीं लग रहा, देखने में सब कुछ बहुत बेहतरीन लग रहा है। अब चलिए आप इसको थोड़ा सा साइड की तरफ से देखते हैं। साइड से देखने में स्कूटर आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा लगेगा। अगर आपने कभी किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में गए हों तो वहाँ पर इस तरह के स्कूटर आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं जो फैमिली स्कूटर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैमिलीज बहुत ज़्यादा स्कूटर पर ट्रैवल करती है। लंबाई इसकी अच्छी खासी है, और सबसे खास बात इसके अंदर क्या है, इसकी ये सीट, ये सबसे बड़ी सीट है पूरे टू व्हीलर सेगमेंट की। इससे बड़ी सीट किसी भी टू व्हीलर के अंदर फिलहाल नहीं है, ऐसा एथर का कहना, उनका ये दावा है। ये रिश्ता जी है, जी वेरिएंट वाला स्कूटर है। इसके साथ में एक ही अटैचमेंट आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग अटैचमेंट है, ये फ्रंक बन जाता है, यानी कि फ्रंट ट्रंक। इसके अंदर आप इतना सारा सामान रख के ले जा सकते हो, और इतना सामान रखने के बावजूद भी ना आप बड़े आराम से बैठ पाओगे। मैं आपको एक सैम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक पूरा बैग रखा हुआ है, बैग में सामान भरा है, उसके बावजूद भी मेरे को इतनी अच्छी खासी जगह मिल रही है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, और यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबली अपन बैठ सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसलिए इसको फैमिली स्कूटर कह रहे हैं कि भैया आप परिवार के साथ शॉपिंग करने जाओ, ग्रॉसरी लेने जाओ, तो परेशानी वहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। और यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, इसके अंदर स्कूटर यहाँ से चार्ज हो जाता है। अब सीटिंग के कम्फर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जी, बात तो सही है, चौड़ी सीट है तो मज़ा तो बहुत आ रहा है बैठने में, अच्छा लग रहा है। तो भैया अब हम दो लोग बैठ गए, और फैमिली स्कूटर का मतलब क्या होता है कि दो लोग आराम से बैठे सामान के साथ, आगे सामान टंगा दिया है और पीछे मेरे साथ पाजी है। पाजी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कंफर्टेबल है, बढ़िया मजा आ रहा है बैठ के। हम जा सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पे? तो ठीक है जी, ये हमारे आज के सब्जेक्ट थे, आपका काम खत्म हुआ, आप उधर जाइए। और सब्जेक्ट ने बता दिया कि सीट जो है वो कंफर्टेबल है, तो जो पर्पस है एक्चुअली में वो सॉल्व हो रहा है। और यहाँ पर ये जो बैक रेस्ट है ये भी काफ़ी आरामदायक है। तो वही दो बंदे बैठ गए, हमने दिखा दिया कंफर्ट, आगे सामान भी रख दिया। आप अंडर सीट स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। 34 लीटर्स की स्टोरेज है, और इसके अंदर जो एक क्रांतिकारी कदम रखवाया है एथर ने वो ये है कि पहले आप ये स्पेस देखो। ये स्पेस टेक्निकली स्पेस इसलिए बनाई गई है कि जो स्कूटर को साफ करने का कपड़ा होता है ना, हम लोग यहाँ पे सीट के नीचे रख देते हैं, उसकी जगह दिए यहाँ पर कि आप यहाँ पर रखो, सेपरेट करके रख दो। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने वॉलेट, कुछ भी कीमती सामान आपको जो रखना है वो सब रख सकते हो। साथ ही साथ ये जो इस बार हेलो एक करके एक हेलमेट निकाला है, हेलो करके एथर ने, उसको चार्ज करने के लिए। इसके अलावा आप इसके साथ ये चार्जिंग अटैचमेंट है, अपना फ़ोन भी इसमें लगा के चार्ज कर सकते हो। और ये सारी सारी स्टोरेज है, यहाँ पर एक LED लाइट है, इधर साइड में देखो यहाँ पर भी बढ़िया स्टोरेज की जगह है। और जब इसमें आप पूरा सामान भर दो तो इसको निकालो बाहर, यहाँ से करो इसको बाहर, और बाहर निकालने के बाद एज इट इज़ ले जाओ शॉपिंग पे। तो ये भी एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम, मतलब बहुत अच्छी अटैचमेंट लगी मेरे को ये। इसके बाद इतना ईजी है इसको यहाँ पर रखना, यहाँ रखा, और इसके साथ ये चार्जर होगा कनेक्ट, यहाँ कनेक्ट हो गया, और दोबारा सीट आपकी तैयार होगी। अंडर सीट के अंदर आप सामान रख सकते हो। तो बहुत ही प्रैक्टिकल, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसका ध्यान रखा है इधर ने, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करी है। अब आपको स्कूटर पीछे से दिखा देते हैं, इसको थोड़ा यूँ घुमाएंगे और इसका ज़रा रियर व्यू दिखाएंगे। हाँ, लगा दिया, अब बात होगी पीछे की। इसके लिए ऑन करते हैं अपन। काफ़ी स्लीक टेल लैम्प्स वगैरह लगाए हैं, अगर ये आपको पोर्शा की याद दिलाते तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। काइंड ऑफ वैसी सी डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलती है, बट अच्छा लग रहा है, अटपटा नहीं लग रहा, जो एक वो मतलब पहले हमें लग रहा था कि ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट ये उतना अजीब लग नहीं रहा है। तो सिंपल है, पीछे भी एथर की ब्रांडिंग है, और कुछ इस तरह से दिखता है एथर रिश्ता जी ट्रिम वाला। इसके अंदर और भी दो ट्रिम आते हैं, एस भी आ रहा है और जी में भी एक और ट्रिम आ रहा है। थोड़े से स्पेक्स के बारे में बात कर ली जाए इनके, और प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको।
रिस्ता जी में आपको दो बैटरी बैक ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंदर एक में आपको 160 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, एक में 123 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। रिस्ता एस लेंगे तो उसके अंदर आपको 123 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और इसके बाद टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो रिस्ता एस जो है उसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और उसमें 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले है, 3 कलर ऑप्शन में मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये जो स्कूटर है रिस्ता जी हाई रेंज, इसकी कीमत है 1.4 लाख। इसी में जो शॉर्ट रेंज आता है 123 किलोमीटर्स की रेंज वाला, वो आता है 1.24 लाख के अराउंड। और जो रिस्ता एस है जो कि इनका बेस मॉडल है एक तरीके से, वो आपको मिल जाता है लगभग 1,09,999 रुपये में। तो ये टोटल 3 प्राइस पॉइंट के साथ ये स्कूटर आया। आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके 7 इंच की स्क्रीन है। अर्गोनॉमिकली इसके अंदर इसको ईजी करने के लिए यहाँ पर एक जॉयस्टिक सा दे दिया गया जो कि काफ़ी ईजी कर देता है इसको कंट्रोल करना। यहाँ से आप अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका म्यूज़िक हो, नेविगेशन हो, कुछ भी चीज़ आपको चलानी हो तो आप यहाँ से इसके अंदर चला पाएंगे। अलग अलग ड्राइविंग मोड्स हैं और अलग अलग रीजन, बैटरी रीजन मोड्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और स्मार्ट मोड, इको मोड, जी मोड, वहाँ से आप इसको चला सकते हो। नया इंटरफेस है, ऐप को भी अपडेट कर दिया गया और काफ़ी सारे इसके अंदर आपको फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपका स्कूटर टो हो रहा है, चोरी हो रहा है, तब भी आपको पता लग जाएगा बैटरी कितनी चार्ज हो गई है, नोटिफिकेशन में आ जाएगा, आपको अंदर जाके देखना नहीं पड़ेगा। और साथ साथ म्यूज़िक कनेक्टिविटी भी इसके अंदर आ गई है और अगर उसको आप हेलो के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस हो जाता है। हेलो का वीडियो हम आपको अलग से दिखाएंगे। तो ये था एथर की तरफ से रिस्ता। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये रिस्ता वाकई में क्या कहलाता है, आपको कितना अच्छा लग रहा है स्कूटर, क्या वैल्यू फॉर मनी है, व्हाट द प्राइसिंग है या नहीं है, आपको क्या लगता है। मतलब अगर मेरी राय अगर आप मानते हैं तो मुझे लगता है कि आई थिंक 1.25 लाख रुपए में ये स्कूटर एक अच्छी डील है। एक पूरे परिवार के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके काफ़ी काम आएगा और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और एथर की मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, इनकी सर्विस रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी आपको कोई जनरल शिकायत देखने को नहीं मिलती है। प्री बुकिंग स्टार्ट है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी आपका अभी तक एथर के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा है ये बात आप कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। जब भी स्कूटर चलाएं हेलमेट जरूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।